हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। जो आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज हैप्पी ट्रीज, उसका रिवीजन कराऊंगी। हैप्पी ट्रीज, खुश ट्रीज। एज द मैन पिक्ड अप देयर माइटी सॉज, ऑल द एनिमल्स प्लीडेड विद फोल्डेड पास। ओह प्लीज डोंट कट आर ट्रीज डाउन टू मेक चेयर्स फॉर यूर सेल्स इन द टाउन। इफ यू कट एंड टेक आर ट्रीज अवे, birds and squirrels will have nowhere to stay. There would be no shade in which to stand, and the burning sun will turn the earth to sand. So the men took their saws away, and with happiness all trees began to sway. ये शिफाली राय ने लिखी है। ये जो ट्रीज है ना, उनके बारे में है कि वो जो लकड़हारे होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। जैसे ही वो सॉज अपने लाते हैं ना, वो लकड़ियां काटने के लिए आरी लाते हैं, तो जो ट्रीज होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वहां के, जो जंगल में रहते हैं, वो उनसे प्लीड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं विद फोल्डेड पास, अपने पास को जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम पेड़ों को मत काटो। क्यों? तुम अपने फायदे के लिए पेड़ों को मत काटो। अगर तुम पेड़ काटोगे इससे क्या होगा, बर्ड्स एंड स्क्विरल्स विल हैव नोवेयर टू स्टे। जो परिंदे होंगे, जो जानवर होंगे, उनके पास घर, वो बेघर हो जाएंगे, जानवर बेघर हो जाएंगे। देयर वुड बी नो शेड, हमारे साया नहीं रहेगा इन विच, जिसके नीचे हमें छाऊं की जरूरत पड़ती है, वो छाऊं नहीं रहेगी जिसके नीचे बैठा जाता है। एंड इन द बर्निंग सन, जब तेज धूप होती है तो पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं। विल टर्न द अर्थ टू सैंड, और वो गर्मी से, जो जब तेज गर्मी बढ़ेगी, पेड़ भी नहीं होगा, छाया भी नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, अर्थ को सैंड की तरह, जैसे रेत गर्म होती ना, वैसे धरती भी गर्म होती जाए। सो द मैन, ये बात सुनकर जो लकड़हारे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सॉज वापस ले ली और खुशी से सारे पेड़ झूमने लग गए और जानवर भी खुश हो गए। समझ में आया? फिर से रिपीट करती हूँ। एज द मैन पिक्ड अप देयर माइटी सॉज, जैसे ही आदमियों ने, लकड़हारों ने अपनी सॉज उठाए, ऑल द एनिमल्स प्लीडेड, कहते हैं जितने भी जानवर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की विद फोल्डेड पास। विद फोल्डेड पास, आप देख रहे हो यहाँ से, विद फोल्डेड पास, दे ऑल आर रिक्वेस्टिंग दीज मैन नॉट टू कट ट्रीज। ओह प्लीज डोंट कट आर ट्रीज ऑन, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पेड़ों को मत काटिए। टू मेक चेयर्स फॉर यूर सेल्व इन द टाउन, शहरों में अपने लिए कुर्सियां या बाकी चीजें बनाने के लिए इनका जो इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल मत करें। इफ यू कट एंड टेक आर ट्रीज अवे, अगर आप हमारे पेड़ों को काटोगे और उनको ले जाओगे, बर्ड्स एंड स्क्विरल्स विल हैव नो वेयर टू स्टे, परिंदे और जो गिलहरियां हैं वो कहाँ रहेंगी। देयर वुड बी नो शेड इन विच टू स्टैंड, हमारे पास छाया नहीं रहेगी जिसके नीचे हम बैठते हैं, धूप से बचने के लिए हम छाया में, वो छाया ही नहीं रहेगी, यानी कि उनका जो साया है, मतलब पेड़ों के नीचे इतनों का घर है ना, कि वो बेघर हो जाएंगे। एंड द बर्निंग सन, और ये तपता सूरज हमारी धरती को रेत की तरह जला देगा। सो द मैन टुक देयर सॉज अवे, ये बात सुनकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां या सॉज जो थे वो वापस ले ली। एंड विद हैप्पीनेस ऑल ट्रीज बिगिन टू स्वे, और खुशी के मारे ये सब झूमने लगे। अब इसके न्यू वर्ड्स है सॉ, सॉ क्या होगी, आरी जिसे पेट काटा जाए, प्लीडेड प्लीज खुश होना, फोल्डेड, फोल्डेड मीन्स हाथ जोड़ के, पास पंजे, सिक्योरल गिलहरी, अवे दूर, स्वे झूमना, ठीक है। फिर से पढ़ती हूँ। एज द मैन पिक्ड अप देयर माइटी सॉज, ऑल द एनिमल्स प्लीडेड विद फोल्डेड पास। ओ प्लीज डोंट कट आर ट्रीज डाउन टू मेक चेयर्स फॉर यूर सेल्व्स इन द टाउन। इफ यू कट एंड टेक बर्ड्स एंड यू कट एंड टेक birds and squirrels will have nowhere to stay. There would be no shade in which to stand, and the burning sun will turn the earth to sand. So the men took their saws away, and with happiness all trees began to